नमस्कार साथियों, इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मैं विजय चौहान आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा की तरह मैं आज एक बार फिर आप सभी के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेन्यू या लेक्चर के बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस। ये आपके रिव्यू मेन्यू के ऑप्शन है, जिसमें आज हम ट्रैक चेंजेस, वैल्यून और ये यहाँ तक के नेक्स्ट प्रीवियस तक के सभी ऑप्शन सीखेंगे। तो साथियों, बिना किसी देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। ट्रैक चेंजेस का वास्तव में यूज क्या है? तो साथियों, ट्रैक चेंजेस का जो यूज होता है वो किसी भी चीज को ट्रैक करना या फिर आप ये कह सकते हैं उसे जांचना, ऑडिट करने में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, जैसे कोई भी टीचर जब अपने किसी स्टूडेंट की कोई एग्जाम की एग्जाम पेपर चेक करता है तो उसमें क्या करता है, वो जहाँ भी कोई गलतियाँ होती हैं तो वो उन्हें अंडरलाइन कर देता है, रेड पेन से कट कर देता है, कोई चीज़ गलत है तो उसे काट के उसकी जगह सही स्पेलिंग या सही वर्ड लिख देते हैं। तो वो एक तरीके से ट्रैक ऑप्शन ही होता है। तो इसी तरीके से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, तो वो एक बार में ही फाइनल नहीं हो जाती। मान के चलिए किसी जूनियर अकाउंटेंट ने या जूनियर ऑपरेटर ने कोई आपको रिपोर्ट बनाई है तो उसे फिर सीनियर चेक करते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो उसको अपने लेवल पे एडिट करते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हैंड टू हैंड जूनियर लेके गया और सामने मान लो 50 पेज की फाइल है तो सीनियर 50 पेजों को एक साथ पढ़ेगा, हैंड टू हैंड देखेगा, चेक करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि मेल के द्वारा फाइल भेज दी जाती है, जब सीनियर्स पे टाइम होता है वो उन्हें चेक करते हैं और जहां जहां भी करेक्शंस होते हैं वो उन्हें उसमें करेक्शंस करके फाइल को वापस रिप्लाई भेज देते हैं। तो आप जो भेजने वाला है उसे पता लग जाता है कि मेरी कहां कहां पर गलतियां थी। ठीक एग्जाम की तरह ही है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं तो आपकी कॉपी एकदम तो चेक होके मिलती नहीं है, उस समय लगता है चेकिंग में, उसमें एडिटिंग में, तो सेम ये वही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सिंपल वर्डों में समझा दिया है कि ट्रैक चेंज क्या होता है, आपके वर्क में एडिट करने के बाद जो उसमें चेंजेस हैं उनको पता लगाना कि हमारी फाइल में क्या क्या करेक्शंस थे। तो मान लीजिए ये एक फाइल है जो मैंने पहले ही ऑलरेडी डेटा टाइप किया हुआ है, किसी जूनियर ने मुझे ये फाइल भेजी है कि सर ये हमारी फाइल चेक कर लीजिए, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब मैं इसे जब चेक करने जा रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट इसमें कुछ चेंज कर दूँ, मान लीजिए वंडरफुल है, मैंने वर्ड डिलीट कर दिया, यहाँ से ये पैराग्राफ इतना डिलीट कर दिया और इस तरीके से मैंने 10-12 जगह चेंज कर दिया, तो मुझे खुद पता नहीं रहेगा मैंने कहाँ कहाँ क्या चेंजेस किए हैं। तो जब मुझे खुद पता नहीं रहेगा तो मैं जूनियर को क्या बताऊंगा कि आपकी क्या क्या मिस्टेक थी। इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक मिनट में कंट्रोल जेड से वापस ले आता हूँ ऑप्शन। तो मैं क्या करूंगा, चेंजेस करने से पहले ट्रैक चेंज पर एक क्लिक कर दूंगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस जो पेन कॉपी सी बनी है तो वो ऑप्शन येल्लो कलर में हो जाएगा। येल्लो कलर का मतलब है ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। अब साथियों मैं चेंज करता हूँ, देखिए मुझे लगा कि यहाँ कंप्यूटर की जगह लैपटॉप होना चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा और यहाँ पर लैपटॉप लिखूंगा। तो देखिए आप कंप्यूटर डिलीट नहीं हुआ, कंप्यूटर भी लिखा हुआ और रेड पेन से कट हो गया है कि ये गलती है, इसकी जगह लैपटॉप होना चाहिए, ये मैंने शो कर दिया। वो अपने आप उसने लिया कंप्यूटर में, मैंने कोई रेड कलर नहीं किया, ये ट्रैक चेंज का कमाल है, ये ऑटोमेटिक वो कटिंग में आ गया और रेड हो गया। ऐसे ही मुझे लगा कि ये लाइन गलत है तो मैं इसे जब डिलीट का बटन दबाऊंगा सेलेक्ट करके तो वो खत्म नहीं होगी, देखिए रेड कलर से कट हो जाएगी, ऐसे ही तो करते हैं टीचर लोग। तो ऐसे ही आगे गए, मान के चलियो चलिए यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के नीचे बॉम्बे होना था तो मैं एंटर करके यहाँ लिखा बॉम्बे, तो वो आप देखिए किस कलर में हुआ, रेड कलर में। तो बस यही चीज है कि आप जहां भी कुछ लिखेंगे कि यहाँ डिलीट करेंगे, जैसे संजय को मैं डिलीट करता हूँ तो वो कटिंग में आएगा रेड में, और कुछ नया लिखूंगा जैसे मैंने यस लिखा तो वो रेड पेन से आएगा। साथियों ये तो था एडिटिंग का, मतलब मैंने चेंज किया, मिटाया या कुछ नया लिखा। और ये फॉर्मेटिंग पे भी वर्क करता है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, अंडरलाइन करना, राइट लेफ्ट करना, कलर करना, तो उस पर भी ये ऑप्शन वर्क करेगा। जैसे सुनील है और विजय है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम के मेन्यू में गया और यहाँ से इसे अंडरलाइन किया, तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया फॉर्मेटेड अंडरलाइन, कि यहाँ पर अंडरलाइन होनी थी, यानी जूनियर जब अपनी फाइल को खोलेगा उसे पता लगेगा कि यहाँ मेरी ये गलती रही, अंडरलाइन नहीं की है, इसका साइज बड़ा होना था। तो यहाँ से मैं जैसे साइज बड़ा करूंगा तो ये देखिए लिखा आ गया, फॉन्ट 16 पॉइंट करा गया है, ये फॉन्ट पहले इतना था। ऐसे मैंने इसको सेंटर किया तो ये सेंटर किया गया है, देखिए फॉर्मेटेड सेंटर। तो ये सारी चीजें लिखी हुई आती रहेंगी और शो होती रहेंगी।
तो यही ऑप्शन है आपका ट्रैक चेंजेस, ठीक है ना, ये समझ गए। ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करके आपको पहले कुछ जगह चेंजेस करके देखने हैं। अच्छा, इसके बाद इसी की सेटिंग्स के ये आगे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे बैलून्स है, तो बैलून्स पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन है आपका शो रिविजन्स इन बैलून। तो रिविजन्स इन बैलून पे से अभी देखिए, पहले क्लिक कहाँ पर है, शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून। बैलून वास्तव में होता क्या है, जो इधर देखिए हिस्सा आ गया है ना, ये एक लाइन सी है और इधर ये राइट में जगह आ गई है, ये बैलून है, इसको ही बैलून कहते हैं। अच्छा, इसमें साइड में देखिए जो फॉर्मेटिंग है, तो हमने जो जो सेंटर किए, अंडरलाइन किया, तो यह साइज बढ़ाया, तो वो क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है आपको, कि फॉन्ट 16 पॉइंट किया गया है, अंडरलाइन की गई है, फॉर्मेट करके सेंटर किया गया है, ये तो ये चीजें दिखा रहा है। तो बैलून में अभी यहाँ क्लिक है सो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग, इसलिए ये दिखा रहा है, और ये जो चेंज किए हैं, रिवाइज किए हैं, ये नहीं दिखा रहा। तो अगर मैं करूँ सो रिविजन इन बैलून, तो वो रिविजन भी दिखाएगा। देखिए कि यहाँ यस से पहले डिलीट किया गया है संजय, अब संजय यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ लिखा रहा है कि ये डिलीट किया गया। ऐसे ऊपर मैंने कोई चेंज किया है तो ये लिखा रहा है डिलीटेड विद योर करंट, यहाँ से जो मैंने लाइन डिलीट की थी वो, तो ये चीजें भी दिखने लगेंगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब लेकिन आप देख रहे हो कि वो जो आपका सेंटर वगैरह दिए मैंने साइज बढ़ाया था, ये भी आ रहे हैं, और जो रिविजन मैंने यानी चेंजेस किए एडिटिंग, वो भी आ रहा है। सो ऑल रिविजन इन लाइन, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से साइड में से बैलून हट जाएगा और सिर्फ ऑप्शन जो आपने चेंज करेक्ट किए हैं बस वही दिखाई देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। बैलून तो ये सिर्फ जो साइड में ऑप्शन है से देखने का है, और इसमें अगर आप यहाँ पे शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग पे रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ तो हम जो एडिट करते हैं वो साफ साफ दिख ही जाता है, कटिंग में और रेड कलर में आ जाता है, बाकी फॉर्मेटिंग जो की है वो यहाँ अलग से दिखा देगा वो। बाकी ये भी सभी सेटिंग्स के ऑप्शन है, जैसे फाइनल शोइंग मार्कअप लिखा रहा है तो ये फाइनल जो भी आपने चेंज किए हैं वो दिखा रहा है। आप फाइनल कर दोगे तो बस फाइनल जो करेक्शन होके आपने किया है बस वो दिखाई देगा, बैलून साइड में दिखाई नहीं देंगे। यानी इससे मिलते जुलते ही ऑप्शन है, आप चाहे यहाँ से कर लें या यहाँ से कर लें। ऐसे ओरिजिनल कर दोगे आपको तो ओरिजिनल में क्या होगा, बस जो आपका नॉर्मल पहले था वही रह जाएगा, आपने जो करेक्शन किए हैं वो पता भी नहीं लगेंगे कि कहाँ पे क्या करेक्शन किए हैं, तो ये ओरिजिनल हो गया एक बार में। ऐसे ओरिजिनल शोइंग मार्कअप करोगे तो ओरिजिनल भी रहेगा और जहाँ से करेक्शन किए वो भी रहेंगे, ये दोनों आ जाएंगे। बाकी हम जो रखते हैं ना फाइनल शोइंग मार्कअप रखते हैं, तो फाइनल में क्या है, जो फाइनल आपने किया है करेक्ट कटिंग वगैरह करके वो सब दिखाई देगा, ठीक है ना। शो मार्कअप में क्या क्या चीजें दिखाई दें जो हमने करेक्ट किए, जैसे अभी यहाँ पे इंसर्टेशन एंड डिलीटेशन, यानी जो मैंने इंसर्ट किया है, लिखा है या डिलीट किया है, अगर ये नहीं देखना चाहते तो टिक को हटा दो। तो देखिए जो मैंने डिलीट किया था, इंसर्ट किया था, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बस जो कमेंट सेंटर वगैरह फॉर्मेटिंग की थी वो रह जाएगा। तो इसलिए हम ये ना नॉर्मल रहनी चाहिए सेटिंग, इन पर टिक लगे रहते हैं, इन्हें हटाने ही चाहिए कायदे में देखा जाए तो, ये डिफॉल्ट रहती है ये चीज़ें, लेकिन फिर भी कोई इन्हें आपका कंप्यूटर में गलती से बिगड़ जाती है तो आप इन ऑप्शन से सही कर सकते हैं। ऐसे ही कमेंट का, अगर किसी चीज़ पे दे रखी है तो कमेंट का होता है, बाकी कमेंट के मैंने इससे पहले लेक्चर में दिखाए थे, जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो तो लास्ट वीडियो मेरा जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, पीछे के मेरे जितने भी लेक्चर हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक जरूर डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से पीछे के मेरे लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ पर कमेंट दे रखा होता है तो वो कमेंट यहाँ से आप हटा सकते हैं, ठीक है साथियों, समझ गए। ये भी ऐसी फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग हमने कहाँ की है, ये रहा अंडरलाइन की है, साइज वगैरह बढ़ाया, तो ये यहाँ पर दिखाई ना दे तो शो मार्कअप में गए हम और यहाँ से फॉर्मेटिंग ऑप्शन ठीक हटा दिया, तो देखिए वो जो लिखा हुआ आ रहा था सारा फॉर्मेटिंग का, वो पूरा टैब हट गया है। फिर यहाँ से गए और यहाँ से दोबारा क्लिक कर देंगे, फिर लिखा हुआ दिखने लगेगा। ऐसे रिव्यू पेन है आपका, रिव्यू पेन में क्या होता है, जो साइड में बैलून आ रहा था तो उस बैलून की जगह इधर लेफ्ट साइड में आपके सामने जो जो चेंजेस किए हैं वो आ जाएंगे। देखिए पहला आपने कंप्यूटर डिलीट किया है, इस पर क्लिक करो तो क्लिक करते ही दिखा देगा कंप्यूटर आपको कि यहाँ डिलीट किया गया एरा। ऐसे ही मैं देखना चाहता हूँ बॉम्बे कहाँ लिखा है, इस पर क्लिक करो तो बॉम्बे एरा दिल्ली के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है। सेंटर ये क्या चीज की गई है, मैं मतलब क्लिक करते ही कंप्यूटर अपने आप वहीं ले जाएगा आपको कि ये सेंटर किया गया। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट है उन जगहों पर जाने का जहाँ जहाँ पर करेक्शन किए गए हैं या आपके बॉस ने कहाँ कहाँ आपकी फाइल में चेंजेस किए हैं, वो सारे एक बार में ही इधर दिखाई दे जाएंगे, आपको एक एक नीचे ढूंढना नहीं पड़ेगा, पेज को बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। तो ये रिव्यू पेन का बेनिफिट है, रिव्यू पेन लेफ्ट में भी आ सकता है और यहाँ से रिव्यू पेन होरिजोनटल कर देंगे तो ये नीचे भी आ जाएगा, लेकिन नीचे में आप देखेंगे देखने में प्रॉब्लम होती है,
सारी चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती, इसीलिए आप इसको वर्टिकली रखें तो ज्यादा बेटर है, और हटाना हो तो इस पर लेफ्ट क्लिक फिर से कर दें, हट जाएगा जैसा नॉर्मल पहले था वैसे की तरह आ जाएगा। साथियों अगर ये फाइल हमारी मान लीजिए बहुत बढ़िया, अभी तो मेरी देखिए 20 पेज की फाइल है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 20, तो इसको मैं अप डाउन करके इस तरीके से माउस से स्क्रॉल घुमा के नीचे देख सकता हूँ। यही पेज मान लो हमारी फाइल 1000 पेज की हो, 200 500 पेज की हो, बहुत बड़ी हो, तो ऐसे स्क्रॉल करने में तो बहुत टाइम लगेगा। अब मान के चलिए मेरा पहला करेक्शन पहले पेज पे है, दूसरा करेक्शन 50 नंबर के पेज पे है, तो 50 नंबर पे जाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चेंजेस के जो ऑप्शन है इनका यूज करके इजीली जल्दी वहां पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ फर्स्ट चेंज पर हैं, कंप्यूटर की जगह लैपटॉप किया गया, आपको देखना है इसके बाद कहाँ पर करेक्शन हुआ है, इसके बाद कहाँ मेरी मिस्टेक थी, तो नेक्स्ट कर देंगे। तो दिखा रहा है लैपटॉप ये लिखा था, अब एक बार और नेक्स्ट कीजिए आप, तो जैसे नेक्स्ट करेंगे तो दिखाएगा वो, ये मैंने क्लिक किया कि यहाँ पे ये कटिंग की गई है, यानी डिलीट करना था, ये कट का मतलब है इसे डिलीट करना था, आपने गलत लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट करेंगे अगला दिखा देगा यहाँ बॉम्बे, तो जिस पेज पे जहाँ भी होगा एक बार में वहीं पे ले जाएगा वो, ऐसे नेक्स्ट करके एक एक मिस्टेक को आगे ले जाएगा। ये सेंटर किया गया है सुनील विजय वगैरह, अब प्रीवियस करेंगे तो पीछे आते रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हमें ये रेड कलर या जो कटिंग वगैरह की है ये हटानी हो, कहने का मतलब ये है कि सीनियर ने आपने चेंज करके भेज दिया है जूनियर को, जूनियर ने ये मिस्टेक्स देख ली हैं, उसे समझ में आ गया है कि मेरी इतनी जगह मिस्टेक्स थी, आगे से मुझे ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और अब इन कटिंग वगैरह को हटाना है कि अब ये नॉर्मल हो जाए, ताकि इसका प्रिंट वगैरह निकाल के हमें जिसे भी देनी लेनी है उन्हें दे दें, उसे जिस मान लो जो फाइनल जिसे देनी है उसे ऐसे कटिंग करके थोड़ी देंगे हम, ये तो हमें जूनियर मतलब सीनियर ने बता दिया जूनियर को ये गलतियाँ थी आगे ध्यान रखना। तो अब हम इन कटिंग को चेक करने के बाद कैसे हटाएंगे, रिजेक्ट करके या एक्सेप्ट करके। अच्छा रिजेक्ट एक्सेप्ट दो चीज़ें, अगर आप चाहते हो कि जो मेरी गलती थी वो मुझे स्वीकार है, यानी कि मैंने जो किया था वो गलत था, बॉस ने सही करके भेजा है वो सही है, तो आप एक्सेप्ट करना। तो देखिए एक्सेप्ट करने से क्या होगा, जो जूनियर के द्वारा कंप्यूटर लिखा गया था वो हट जाएगा, जो लैपटॉप सीनियर ने लिखा है वो रह जाएगा, तो मैंने एक्सेप्ट किया। तो देखिए हो गया, यहाँ बिल्कुल शुरू से चलिए आप, यहाँ से स्टार्टिंग में क्लिक कीजिए, अब कीजिए एक्सेप्ट, तो देखिए वो कंप्यूटर हट गया है। अच्छा ऐसे ये विद योर करंट डॉक्यूमेंट, ये आपको लगता है गलती है मेरी स्वीकार है तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। ऐसे अगर कुछ रिजेक्ट करना हो कि भाई बॉम्बे या नहीं आना था, बॉस ने गलती कर दी है, तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो आप रिजेक्ट करोगे तो आप देखोगे दिल्ली के नीचे से बॉम्बे हट चुका होगा, जो पहले था वही होगा। यानी रिजेक्ट का मतलब है आप अपना रखना चाह रहे हैं जो आपने कर रखा था, और एक्सेप्ट का मतलब जो बॉस ने चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को आप स्वीकार कर रहे हैं, वो बॉस वाला रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, अब एक एक करके मान लो आप सब जगह मान लो 50 जगह चेंज किए गए हैं, तो 50 बार एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बजाय आप चाहते हो एक बार में मुझे सब एक्सेप्ट करना है, बॉस तो बहुत इंटेलिजेंट है वो गलती कर ही नहीं सकते, तो एक बार में ही एक्सेप्ट पे जाके एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दीजिए। और सारे रिजेक्ट करने हो पहले जैसे करना हो तो रिजेक्ट में भी ऑप्शन होता है यहाँ से रिजेक्ट ऑल चेंजेस के नीचे, तो यहाँ से जाएंगे और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पर क्लिक करेंगे, सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो गए हैं। अब साइड में से बैलून भी हट गया है, और आप देखेंगे जो रेड लाइन आ रही थी कटिंग में या जो रेड लिखा हुआ रहा था वो भी हट चुका है। तो ये था आपका ट्रैकिंग ऑप्शन या ट्रैक चेंज ऑप्शन, 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है। बाकी इसका यूज ज़्यादातर रिपोर्ट वगैरह बनाने में, चेकिंग करने में, या टीचर्स वगैरह जो बॉस होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। एक चीज और देखिए, अभी आप कुछ भी लिखेंगे रेड में ही लिखा जाएगा, ट्रैक लगा हुआ है इसलिए, तो इसे हटाना कैसे है, जैसे ट्रैक चेंज एक बार जहाँ से लगाया था वहीं से हटेगा, ये ऊपर जो ट्रैक चेंज येल्लो हो रहा है ना, इस पर क्लिक कर दो, तो अब देखिए येल्लो से वो नॉर्मल हो गया है। अब आप कुछ भी लिखेंगे या डिलीट करेंगे तो अब रेड में नहीं आएगा, अब आपका ट्रैक चेंज फीचर हट चुका। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छी तरह ऑप्शन समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे की इसी तरीके की इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद एंड जय भारत।